ये बंबई है, यहाँ पे 60 लाख लोग बसते हैं, जिसमें से 5 लाख डॉक्टर हैं, 3 लाख वकील, 135,756 हजाम, 2,03,205 दर्जी, 16,000 गाड़ियां, 35,000 साड़ियां, अस्पताल, दुकान, मकान और नर्सें। यहां पर हर रोज लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, शादियां होती हैं, तलाक होते हैं, दान होता है, चोरी होती है, और आज रात भी एक चोरी होने वाली है। जागते रहो, जागते रहो। फिर से याद कर लो, पांचवां पाइप, पांचवी मंजिल पर चढ़ जाओ, खिड़की खुली है, नीचे जाकर पिछला दरवाजा खोल देना। डरने की कोई बात नहीं, मामा रामपुरी के प्लान में कोई खामी नहीं रहती। जाओ, जय महाकाली। कबूतर उड़ जाएगा, हाथ में अंडा रह जाएगा, फूट जाएगा अंडा एक दिन, बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, हाथ में अंडा रह जाएगा, फूट जाएगा अंडा एक दिन, बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, बड़ा कबूतर कबूतर बड़ा कबूतर कबूतर। समझा कोई न जाना, आए ये गोरख धंधा, पहले जग में आया कबूतर या फिर आया अंडा, कोई न समझा कोई न जाना, आए ये गोरख धंधा,
पहले जग में आया कबूतर या फिर आया अंडा। पा 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 पा। और उलझ जाएगा हर जो इसको सुलझाएगा। बड़ा कबूतर कबूतर बड़ा कबूतर उड़ जाएगा हाथ में अंडा रह जाएगा। फूट जाएगा अंडा एक दिन बड़ा कबूतर उड़ जाएगा। बड़ा कबूतर कबूतर बड़ा कबूतर। माँ कैसी है? माँ बिल्कुल अच्छी है। अरे जल्दी ताऊ तेरा इंतजार कर रही है। जब इसका बाप जेल से छूट के आया करता था खूब मोटा ताजा होकर आता था। इसीलिए तो जेल को ससुराल कहते हैं कि खूब खाओ पियो और सेहत बनाओ। देखना मेरे बेटे की हड्डियां निकल आई, कितना दुबला हो गया है बेचारा। दुबला नहीं हुआ माँ, चोर बदन है इसका। अरे छोड़ ना, चोर बदन है इसका। लगता है सरकार ने आपकी ठीक से खाना नहीं दिया बेचारे को। माँ कहाँ से सरकार ठीक से खाना देगी, राशन जो महंगा हो गया। राशन महंगा हो गया, बात यह है बेटा कि सरकार माँ तो नहीं है ना, ये तो प्रेम से माई अपने बेटे को रोटियाँ खिलाती है। ले दो और। नहीं 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 नहीं। उठ क्यों गया, खाना बेटा। माँ बहुत खा लिया, पेट भर गया मेरा माँ। अरे क्या बहुत खा लिया, चिड़िया जैसी भूख हो गई है तेरी। खा ले बेटा, खा ले गरम गरम। खा, देखना नाक तक भर गया मेरा। अरे क्या नाक तक भर गया है, लगता है जेल में रह रहा के तेरी भूख मारी गई है। अच्छा ले एक खा ले बेटा। देख इसमें असली घी लगा, खा ले। नहीं माँ नहीं। ले जिस दिन तेरी माँ मर जाएगी ना, दुनिया में इतने प्यार से कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा तुझको। देख माँ मरने की बात मत कर। ये घर तो हम अनाथ लोगों का ठिकाना है, इसे मत छीनो माँ। और अगर मरने का डर दिखाया ना मुझे, तो मैं ये सारी चपातियाँ, ये बर्तन, ये दोनों गिलास सब समेट के खा जाऊंगा। अच्छा ले थाली खा के दिखा, दिखा दिखा। अरे माँ तू इतना जल्दी नहीं मरेगी, तू तो 100 साल और जी। बिल्कुल ठीक कहा बोला। अरे हमारी दीदी अगर 100 साल न जिए तो मेरा और तेरा क्या हाल होगा। दीदी 40 बरस उम्र हो गई, अगर तुम और जीजा जी मुझे नहीं पालते तो 12 बरस की उम्र मर गया होता कि नहीं। फिर झूठ बोला, तू बार बार अपनी उम्र क्यों बदलता है रे। जब मैं 70 साल की हो गई तू 40 साल कैसे रहा। तू मुझसे सिर्फ 12 साल छोटा है, 12 साल। काम तो छोड़ो ना, इससे मिलने दो। इतने दिनों के बाद घर आया बेचारा। मैं जानता तू मुझसे नाराज है, मैं तुझे जरूर जेल से लेने जाता, लेकिन तू तो जानता है भोला कि दीदी की तरह मैं भी दिल का मरीज हूँ। नहीं नाराज मत हो, अब की तरफ से ऐसी अच्छी खबर देता हूँ तुझे। सुन, एक ऐसा मास्टर प्लान मैंने बनाया है कि। मामा मैं भी जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है यार, दारू के अड्डे में? नहीं धोबी घाट से कपड़ा आने वाला है, मैं लॉन्ड्री में जा रहा हूँ। ये लोग मुझसे ऐसे भागे जैसे मैं पागल कुत्ता हूँ, काट खाऊंगा। दीदी ये भोला मुझसे बहुत नाराज हो गया। तू बेकार शक करता है भोला पर, भोला भी तुझे उतना ही चाहता है जितना मैं प्यार करती हूँ। चल जा उसे मना ले। अरे इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। अरे मान जाएगा, मान जाएगा। चलो दीदी एक तरकीब सुझिए। अरे 2-4 बेटो 16 नंबर पे, मामा राम को लीजिए को छोकरा। मैं जाता हूँ, सबके सामने मेरा इंसुलेट करेगा। मैं इस इलाके का दादा हूँ, कि दूसरा होता तो मैं खुद करा के मार के गिरा देता। तो क्या करूँ? तुम्हारी बातें सुन, तुम्हारे प्लान में हिस्सा है। क्यों नहीं, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरी मदद नहीं करना चाहता मत कर, मेरे बहुत से लोग मदद करने वाले हैं। लेकिन मेरी बात तो सुन। तुम्हारी बात सुनकर 7 दफा जेल गया हूँ मैं। ये तो खेल भी ऐसा है, जो हुए फेल तो गए जेल। मैं क्यों जेल जाऊँ और तुम क्यों हर दफा साफ निकले हो, इसके जवाब दो। इसका ये जवाब है कि जर्नल लोग प्लान बनाते हैं, मरते बेचारे सिपाही हैं, ये दुनिया की रीत है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अरे पर 3 लाख का मामला है, तेरा हिस्सा है 50,000। 50,000? इसीलिए तो मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ। मेरा हिस्सा 50,000? मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं क्या करूँ? 50,000? 50,000? 50 लाख भी हो तो मैं तुम्हारे प्लान में हिस्सा नहीं लेना। क्या बात है मामा जी रामपुरी? अरे क्या बताऊँ, ऐसा भांजा पैदा हुआ है, जेल जाने से डरता, कहते केले बेचूंगा। ऐसा मामा ने क्या कर दिया,
कि तू उनकी बात ही नहीं सुनता। उस दिन बेचारा कुछ समझा रहा था तो तू झटपट के भाग गया। अरे माँ, उसी की वजह से तो मैं जेल गया हूँ 7 दफा। लो सुनो, अरे बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा मालूम होता तो अपने बाप को बिल्कुल पड़ा ही नहीं। क्यों? अरे क्यों क्या, तेरा ये बाप 17 दफे जेल गया, 17 दफे, और मुंह से उफ नहीं किया और तू 7 दफे में घबरा गया। पर माँ तू समझती क्यों नहीं, इस धंधे में बड़ा जोखिम है। भला बता तो सही, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जोखिम नहीं है। दुनिया में सरकार ने इतनी जेलें खोल रखी है, उसकी देखभाल के लिए जमादार, पुलिस, दरोगा और क्या क्या रख दिया है, उनका क्या होगा। क्यों? अरे क्यों क्या, जब कोई जेल नहीं जाएगा तो सरकार उन्हें नौकरी से निकाल देगी, वो बेचारे भूखे मरेंगे, उन सब के बाल बच्चों की हाय लगेगी। हाय माँ। ले तू तो नाराज हो गया। अरे बेटा दुनिया ऐसे नहीं चल रही है, कोई कैदी है, कोई जेलर है, कोई कोतवाल है और कोई चोर भी है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, अरे यही तो मेरा भी कहना है। अरे भोले, ये दुनिया बड़ी रंग रंगी है। हाँ, हाँ, कोई राज चलाता है, और कोई ठेला चलाता है, कोई शेयर बाजार में बड़े बड़े नंबर लगाता है, और कोई झाड़ू लगाता है, अरे कोई कोई झोपड़ी बनाता है, कोई महल बनाता है, और कोई उल्लू बनाता है, कोई मास्टर प्लान बनाता है। इस दफा मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। तो फिर तू करेगा क्या? मैं गंडेरियां बेचूंगा, ठेला चलाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा। अरे तेरी तो बुद्धि मारी गई है, झाड़ू लगाएगा, मेहतरों का काम करेगा, और वो क्या मिनिस्टर? हाँ, मेहतर का काम नहीं करेगा। जिस दिन मैं मर जाऊंगी तब इसे पता चलेगा, इसका नखरा देखने वाला कोई नहीं है। अरे भोला बेटा, मामा जी बहुत समझदार हैं, इनका कहना मान ले बेटा, तू जल्दी से लखपति बन जाएगा। मान जा बेटा, मान। मामा का कहना क्या, मैं भगवान का कहना भी नहीं मानूंगा, मैं इनके प्लान में हिस्सा नहीं लूंगा। अपनी माँ को खिलाएगा कहाँ से? मैंने कुछ रुपए गाड़ के रखे हैं, उसमें हम दोनों की जिंदगी कट जाए। हाँ, हम दोनों की जिंदगी कट जाएगी तो मेरे भाई का क्या होगा? मैं इसका कौन होता हूँ दीदी, मुझे तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया इसने। भोले, तेरी तरह मैंने रुपए गाड़ के नहीं रखे, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। इसलिए तुझसे मदद मांगता हूँ। कहाँ गाड़ के रखा तूने रुपए? अपने भेजे में। मजाक क्यों करता है, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, तुझसे थोड़ा सा चाहिए। नहीं दूंगा। अरे 400-500 तो दे सकता है। नहीं दूंगा। कितने दे सकता है? एक फूटी कौड़ी भी नहीं। एक फूटी कौड़ी भी नहीं। ओ दीदी, भैया, दीदी, काका, मुझे दौरा पड़ गया। काका दिल का दौरा पड़ गया। अरे भोला, ना काका दिल का दौरा पड़ गया। भैया, हाँ, भैया, जरा हिम्मत करो। कैसी तबीयत है? डॉक्टर को बुलाओ, मर रहा हूँ। अरे जाओ डॉक्टर के पास। नाटक मैंने कई बार देखा है माँ, मैं इनके प्लान में हिस्सा नहीं लूंगा। जाने दो दीदी, ये मानने वाला नहीं, मैंने तुमसे पहले कहा था, जाने दो। महावीर, अरे बात तो सुन, ये तूने क्या किया, सब मामला चौपट कर दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई बहन, तेरे भले की बात कह रहे हैं, तुझे जरा भी अकल नहीं। ये ले दूध पी, जब तक दुनिया में जिंदा हूँ तेरी सेवा कर दे रही हूँ, जब नहीं रहूंगी तुझे कोई बात नहीं पूछेगा। क्या हुआ, क्या हुआ माँ, माँ क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं है, सर में चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा हो गया। मामा जी को बोला, मामा जी को। मामा जी, मामा जी, क्या चल रहा है? अरे क्या बदल का दौरा पड़ गया क्या? अब तू एक काम कर, मेरी खिड़की ऊपर नीली शीशी उसको जल्दी से ले आ, जा जा जल्दी जा। दीदी, दीदी, क्या सच में दौरा पड़ गया? अरे भोला गया। हाँ गायब बाहर। अरे दौरा सौरा कुछ नहीं, शायद चक्कर कामयाब हो जाए। अरे वाह मेरी दीदी। देख आगे काम करना तेरा काम है, जो मैं कहूँ वैसा करना। हाँ, बस ठीक ठीक मैं उसे करूँगी। आए जल्दी ला रहे दवा। फिर तो बोलो मामा, याद है तुमने एक बार कहा था कि मेरा काम कर दोगे, आज वो वक्त आ गया। अरे मामा, तुमने एक बार हमारे को पुलिस से बचा लिया है, अरे हम तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा। जान क्या? नहीं नहीं, कुछ जानवर देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें छोटा सा काम करना, लेकिन काम करा मुश्किल है। तुम बिंदास बोलो ना मामा, क्या बात करते हो? तुम्हें डॉक्टर पिंटो बनना है। डॉक्टर? क्या डॉक्टर? नहीं, कोई डिलीवरी का केस नहीं है, पेट बढ़ाने की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, तो ऑपरेशन वाला डॉक्टर बनना। ऑपरेशन वाला डॉक्टर? अच्छी तरह सुनो, थोड़ी देर बाद मेरा भांजा यहाँ आएगा। हाँ, उससे यह कहना कि देखो तुम्हारी माँ सख्त बीमार है, 8 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन करना है, उसे नर्सिंग होम में रखना है, और नर्सिंग होम का खर्चा आएगा 25,000 रुपये ऑपरेशन के समय। 25,000 रुपये में तो एक एम्बेसडर कार आती है मामा। एम्बेसडर कार उससे मत कहना। अच्छा, ये नहीं बोलेगा, हमको सब याद हो गया, क्या बोलेगा? क्या बोलना? देखो हम बोलेगा,
तुम्हारी माँ सख बीमार। मेरी माँ नहीं, मेरी बहन है, वो मेरे भांजे की माँ। तुम्हारे भांजे की तरफ हाथ दिखा के बोलेगा, तुम्हारी माँ सख बीमार। हाँ, हाँ। तुम्हारी माँ को 8 बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 8 दिन के अंदर? 8 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को नर्स बनाना पड़ेगा। नहीं, उसे नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। अच्छा, उसको नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए एक एम्बेसडर गाड़ी बेचनी पड़ेगी, 25,000 रुपया। हाँ, 25,000 तुमसे बनेगा ना? देखो ना मामा, अरे तुम पहली बार हमको काम बोलता है ना, हम सब याद करिए, सुनो। तुम्हारी माँ सख बीमार, 8 दिन में तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को नर्सिंग होम में डालना पड़ेगा। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में 25,000। बिल्कुल ठीक है, बस यही चाहिए। तुम्हारी माँ माँ की तबीयत बहुत खराब है। 8 दिन में उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। नमस्ते मिस्टर पिंटो, डॉक्टर साहब, ये मेरा भांजा है। कल जिस मरीज को आपने देखा था ना, वो इसकी माँ है। अब बोलियो कैसी? तुम्हारी माँ की तबीयत सख्त खराब है। तुम्हारी माँ का 8 दिन में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को फौरन नर्सिंग होम में दाखिल करवाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में 25,000 रुपया खर्चा होगा। सुन लिया? लेकिन मेरी माँ को हुआ क्या है? अरे तुम्हारी माँ की तबीयत सख्त खराब है, उसको 8 दिन के अंदर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को नर्सिंग होम में डालना पड़ेगा। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में 25,000 रुपए का खर्चा है, ठीक है ना? लेकिन मेरी माँ को बीमारी क्या है? अरे तुम्हारी माँ की तबीयत सख्त खराब है। क्या प्रेशन करता डॉक्टर को, मैं तेरे को समझा देता हूँ। चल, उसने बोल तो दिया। मेरी माँ को हुआ क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। तुम्हारी माँ के कार्बोरेटर के अंदर कचरा आ गया है। अभी तुम चुप रहो मामा, तुम्हारी माँ के डिफरेंशियल खत्म हो गए हैं, दरवाजे आवाज करने लगे हैं, बुशेस वीक हो गए हैं। जब तक तुम्हारी माँ के टाकी के अंदर से कचरा नहीं निकालेंगे, वो गाड़ी नहीं चलेंगी। लेकिन मेरी माँ की बीमारी का नाम क्या है? अरे तुम्हारी माँ सब बीमार है। मैं तुझे समझा के बता दूँ, उसका 8 बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को नर्स बनाना पड़ेगा। एम्बेसडर कार 25,000 रुपए में बेच के उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और क्या बोलू, किधर गया, फंसा दिया मामा ने। मेरी माँ बहुत खराब है। तो सुन लिया डॉक्टर ने क्या कहा, जो तेरी मर्जी कर, मैं चला। लेकिन मामा, मैं 25,000 रुपया लाऊंगा कहाँ से? तूने तो कहा था उन्हें पैसे गाड़ के रखे हैं। लेकिन 25,000 थोड़े मेरे पास। 25,000 नहीं तेरे पास? नहीं। तो कितना है? 4,000। 4,000 में क्या बनने वाला है? चल छोड़, सबको एक दिन जाना है, दीदी भी चली जाएगी। लेकिन माँ की जिंदगी का सवाल है मामा, कुछ तो सोचिए। मैं क्या सोचूं? आपका वो प्लान है उसे कहा? तूने तो कहा था मेरा प्लान चलता नहीं, मुझे जेल जाना पड़ता। लेकिन एक बार और ट्राई कर लेते मामा। कोशिश करूं? हाँ, लेकिन कम से कम 4,000 रुपए लग जाएंगे। देगा? दूंगा मामा। तो ला। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। कितना है? 200। चलो वही ला। और सुन, अब्दुल को और सुब्रत को, दोनों को पन्ना तमुल के बुला ले, और शाम को तू आ जा आजाद मैदान में। अब्दुल मुझे कहाँ मिलेगा? अरे इस वक्त और वहीं मिलेगा, वहीं। अब्दुल। कौन है? कौन है? अरे बोला, बैठो बैठो। मामा रामपुरी ने बुलाया। कुछ मामला है क्या? हाँ, तुम भी साथ में हो? शाम को 6 बजे तबेले में पहुंच जाना। 6 बजे तबेले में? हाँ, आ जाऊंगा। तू चल हट। सुब्रतो, सुब्रतो, बोलो बोलो, तैयार रहो। कुछ मामला है क्या? हाँ, बड़ा मामला है। कपड़े चाहिए आज शाम को। मामा जी के लिए सूट, मेरे लिए जो भी चाहो। मामा जी के लिए सूट, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े। हाँ, इधर देख। क्या छलांग मारी उसने? इसी छलांग के लिए अपने को साथ लेना है।
जाओ। इधर जरा एक मिनट मेरे साथ आओ। अरे कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैंने तो सोचा था प्रोग्राम कैंसिल हो गया। प्रोग्राम कैसे कैंसिल हो सकता है, पैसों को बंदोबस्त कर रहा था सो गया। ले सवार को निकाल के दे से। ये लो सवार के। सवार क्या? लेकिन तुमने तो कहा था 50,000 देंगे। 50,000 मिलेंगे लेकिन काम तो हो जाने दो, ये तो एडवांस मनी है। लेकिन लेकिन मेरी बीवी कहाँ? कल सुबह पन्ना तंबोली के तबेले में आ जाना, तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। जाओ क्या देख रहे हो, जाओ। इसकी बीवी पन्ना तंबोली के तबेले में, ये क्या प्लान है? 100 रुपए निकाल पहले। लेकिन मामा, अरे पहले 100 रुपए निकाल, मैं बताता हूँ। ये लो 100 रुपया। प्लान ये है, वो धोबी कपड़े ले आओगे, तू अपने कपड़े पहन ले, मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ, फिर शाम को उसकी बीवी को देखने चलेंगे। इसकी बीवी देखने के 100 रुपए देने के, ये कैसा प्लान है? ऐसा प्लान है, चल चल आ। अरे राम, अरे राम, अब तो छोड़, ये झूठा नाटक करते करते मसक में बीमार पड़ जाऊंगी। दीदी क्या अच्छा नाटक किया, भोला सच समझ गया, बड़ा सीधा लड़का। अरे सीधा लड़का नहीं है बेचारा, बहुत चालाक है। इस ढोंगबाजी का पता चल जाएगा तो मेरी सामत आ जाएगी। हाँ माँ। अरे इसको ले। माँ माँ कैसी है तू माँ? अरे बेटा जैसी हालत तुम छोड़कर गए थे वैसे ही है, बस जीवन की घड़ियां गिन रही है। माँ ऐसा मत कहो, माँ ऐसा मत कहो। लाल तुम जल्दी से पैसे वाले हो जाते, मेरा ऑपरेशन हो जाता। माँ मैं बहुत जल्दी पैसे वाला हो जाऊंगा। अच्छा। मामा ने कल मीटिंग बुलाई है। कहाँ? पन्ना तमोली के तबेले में। अरे बेटा तुम्हारे मामा जी बड़े समझदार है, बस तू इन्हीं का कहना माना कर, तेरा भला हो जाएगा। माना कि क्यों नहीं, मान जा किसका? अरे जरा जिद्दी है, कहना तो मानता ही है। बेटा किसका हूँ मैं? मेरा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। और तुम? मैं तुम्हारा भाई। हाँ भाई, ये मेरा भांजा। भांजा भांजा। Thank you.
इनके साथ क्यों आए? आप कौन है? अरे साहब आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी? और क्या है? बदतमीजी कर रहा हूं। और क्या कर रहे हैं? देखो भाइयों, ये आदमी इस लड़के को धोखा दे रहा है। ये अधेड़ उम्र का आदमी उम्र कम करके कमतीन लड़के को धोखा दे रहा है। भोला भाग, भोला भाग, भोला भाग, भोला भाग, भोला भाग, मेरे भाग लीजिए, मेरे भाग लीजिए। क्या बदतमीजी है ये? मैं मैनेजर हूँ। अरे तो इतनी बड़ी बड़ी मुझे सच्ची की झूठी है। अब किस तकलीफ पर मुंह दिलाए हैं साहब? जो तकलीफ तो दूर हो गई है। लो वेटर्स, ये साहब का तशरीफ उठाकर बाहर फेंक। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? जी आपसे कुछ काम है। काम का बच्चा, चलो निकलो यहाँ से। पहले काम तो सुन लीजिए। कैबरे के बाद यहाँ सब काम ही सुनाने के लिए आते हैं। चलो यहाँ से भागो, यहाँ से। लाला, इसे निकालो यहाँ से। मुझे रामपुरी मामा ने भेजा है। रामपुर मामा ने भेजा? जी हाँ। इसके लिए भी यहाँ नहीं, घर पे आओ, वहाँ बात करेंगे। रामपुर मामा क्या लगता है तुम्हारा? मामा लगता है? मामा तो सबका लगता है, तुम्हारा क्या? जी मेरा असली मामा लगता है। जैसे असली घी होता है? जी नहीं, बिल्कुल असली। बिल्कुल असली। मैं बाहर जाऊं? नहीं नहीं, यही रहो। बोलो क्या चक्कर है? जी मां बनना है। किसकी? तुम्हारी? मेरी नहीं, एक बच्चे की। बच्चा हरामी है? नहीं। बच्चा किसका है? आपका, मेरा मतलब है आपको उसकी माँ बनना है। माँ कौन है कि शादीशुदा? शादीशुदा। बाप कौन है? मेरे बाप को तो मरे 5 साल हो गए। ओहो, तुम्हारा नहीं, बच्चे का बाप। ओहो, आप माँ बनने को राजी हो जाए तो बाप भी आ जाएगा। चार सौ बीसी का चक्कर है? थोड़ा सा। पकड़ी गई तो कितने साल की होगी? जी मामा जी से पूछ के बताऊंगा। जी अभी शुरू नहीं की। क्यों? जी माँ मारती है। जी थैंक यू। सिगरेट चलाओ। ओह, मुझे लगा आपने मुझे दी।
तुम घबरा क्यों रहे हो? जी, जब किसी लड़की से बात करता हूँ तो भेजे में कड़की आ जाती है। कहना कुछ चाहता हूँ, कह कुछ जाता हूँ। काम कितने रोज का है? जी 8-10 दिन का है। माल कितना मिला? जी 50,000। मेरा हिस्सा कितना है? जी आप ही के हिस्से का 50,000। लगता रामपुरी मामा लंबा हाथ मारा है। मेरा एडवांस क्या है? जी मामा ने 125 रुपया भेजा है। थैंक यू वेरी मच। अब हाथ छोड़ सकते हो। देखो आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, असली नहीं नकली। और जब तक हमारा काम नहीं हो जाए तुम्हें पति पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, और ये नाटक तुम्हें हमारे प्लान के खत्म होने तक निभाना पड़ेगा। समझ गए? आपस में एक दूसरे को जान गए? हाँ, जान भी गए। अब मैं काम शुरू करने से पहले हमारी टोली की जो रस्म है उसे अदा करता हूँ। सुबह खड़े हो जाओ और इस पवित्र किताब पर हाथ रखो और मेरे साथ साथ कहो। तुम स्त्रीलिंग में कहना है? हाँ बाबा। कहो मैं। मैं। अपना अपना नाम लो। सुको। बोला। नवीन। रीटा। अब जो कसम खाता हूँ। कसम खाता हूँ। मैं पी सकता हूँ? अच्छा खाता हूँ किन तीन बंदरों की तरह? मैं। मैं। देख कर भी नहीं देखूंगा। सुन कर भी नहीं सुनूंगा। और बोल कर भी नहीं बोलूंगा। और जो भी बोलूंगा सिर्फ झूठ बोलूंगा। सिर्फ झूठ बोलूंगी। और झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। और इस झूठ को आखिरी दम तक निभाऊंगा। आमीन। हाँ, और देखो ये जो झूठ है ये तुम लोग आपस में नहीं बोलोगे बल्कि औरों से बोलोगे। अब भोला ये टेलीफोन डायरेक्टरी तो पन्ना तमुली को लौटा दे। इसकी कसम खाई थी हमने तो क्या हुआ? लेकिन टेलीफोन डायरेक्टरी है, इस पर कसम, ये क्या बात हुई? मामा मैं समझा देता हूँ। ये देखो ये खैर मैं समझाता हूँ। देखो ये तो अपनी अपनी समझ है। दुनिया में जिस चीज को जो चाहो समझ लो। तुम तो मंदिर में पत्थर को भगवान समझते हो कि नहीं? हाँ। तो फिर इस टेलीफोन डायरेक्टरी को गीता क्यों नहीं समझते? तुम इसे बाइबल क्यों नहीं समझती? और कुरान समझता हूँ, मानता हूँ। देखो ये एक ऐसी पवित्र किताब है जिसमें हर मजहब के इंसान का नाम लिखा हुआ और सब एक साथ हैं। ये पन्ना तमुली का भी ना? अरे हाँ, ये किताब तो पन्ना तमुली को लौटा दे। और देखो आज हमारा पहला दिन है, बहुत काम है, सब हमारे साथ साथ। दरवाजा खोल और देख बाहर कोई है तो नहीं। तुम लोग बड़ा कबूतरों बैठ जाओ। मोहम्मद डायरेक्टरी ला। पन्ना तेरी डायरेक्टरी में मेरा काम हो गया। भैया पाना हूँ। काम किया नहीं तूने? अरे काम तो ऐसा किया कि तुम भी याद करोगे। उसका नाम है टाइगर सैंडो। टाइगर सैंडो पता? एक कागज पर लिखा था। कहाँ? जेब में नहीं है। कहाँ गया यार? इधर था। कहाँ गया? कान में टुकड़ा है कागज के। तो नहीं? हाँ ये। उसका पूरा पता लिखा है। कितने में तय किया? 100 रुपये हफ्ता। 100 रुपया हफ्ता टाइगर सैंडो, ठीक। अरे पर सुनो, एक बात और याद आ गई। अरे कच्चा काम तो नहीं किया तूने? दिमाग में नहीं आ रहा है, कहाँ गया। अरे पर गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या बात है बोल। वो गफूर याद है ना? अरे मालूम है, वो तो जेल में सड़ रहा है। अरे जेल में नहीं, छुटकर आ गया है। अच्छा, पर तुझे 2 साल और भुगतना है। छुटकर कैसे आ गया? कैसे आ गया ये मैं नहीं जानता, पर आ गया है। उससे होशियार रहना, वो बदला जरूर लेगा। तुमने उसे अंदर भिजवाया था ना? अरे अंदर भिजवा दिया था तो फिर अंदर भिजवा दूंगा। बदला लेने वाले बहुत देख लिया। क्या कहा था? बड़ा कबूतर। बड़ा कबूतर क्यों कहते हैं? वक्त तो मालूम हो जाए। अगर गोला बारूद तैयार है? तैयार है। रख लो। ये तो अंडे हैं। हाँ, ये यही गोला बारूद। ये गोला बारूद क्यों था? ये भी वक्त तो मालूम हो जाएगा। चल बैठ। वक्त तो मालूम हो जाएगा। चल गोदी में गेंदा बन जाऊंगी। हो सैया तेरी गोदी में, सैया तेरी गो कपूर। कब आए? गरीब खाने पर खाना खाने कब आओगे? चुप। तूने रामपुरी मामा को क्या दिया? एक आदमी का पता दिया है। क्या? टाइगर सैंडो का। उन्हें एक बच्चा चाहिए था। बच्चा चाहिए?
ठीक कह रहा है तू? सच कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देख समय का शोक कबूतर चलता है यूं उड़ के, जैसे तेज हवा का झोंका देखे ना फिर उड़ के। वो देख समय का शोक कबूतर चलता है यूं उड़ के, जैसे तेज हवा का झोंका देखे ना फिर उड़ के। साथ चला चल इसके वरना हाथ नहीं कुछ आएगा। बड़ा कबूतर वो बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, हाथ में अंडा रह जाएगा, छूट जाएगा अंडा एक दिन। बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, बड़ा कबूतर कबूतर बड़ा कबूतर कबूतर बड़ा कबूतर कबूतर बड़ा कबूतर। टाइगर सैंडल यहाँ रहते हैं जी। तुम आप उनकी धर्मपत्नी? हाँ। टाइगर सैंडल से कहो कि मामा रामपुर से मिलने आए हैं। फिर बुलाता है। आओ। देखो देखो, ये बहुत बड़े प्लान का मामला है, दिमाग ठंडा रखना। मैंने भी नहीं देखा ये टाइगर सैंडो कौन है। मैं हूं टाइगर सैंडो। टाइगर सैंडो? यस टाइगर सैंडो। तब में से मामा रामपुरी कौन है? मामा रामपुरी मैं हूँ। वो पन्ना तमुली से बात हुई थी ना? यस। माल लेने आया। खनखन लाया? माल है? है। खनखन भी है? लाता हूँ। लाओ। मेरी 55 साल उम्र हो गई लेकिन ऐसा सैंडो नहीं देखा। अरे ये माल क्या? ये तो आदमी का बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, और यही हमारे प्लान की पहली सीढ़ी है। ये लो भाई, 100 रुपया और लूंगा। ये क्या बात हुई? पन्ना तमोली से बात हुई थी कि 100 रुपये हफ्ते की। उससे हुई थी लेकिन तुमसे 200 रुपये हफ्ता लूंगा। अरे ये तो साफ भी मानिए। मामा मामा ये चोर लगता है। चोर लगता नहीं, चोर हूँ। इसी तरह 200 रुपये और निकालो, वरना वरना क्या कर लोगे? वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। अरे जा तू के बाहर निकल जैसे बहुत देखे क्या निकलेगा। देखो गर्दन कट जाएगी हम लोग, तुम्हें थोड़ी देर के लिए ठहरो। बोला मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं मैंने मैंने मुझे प्लान की कोई फिक्र नहीं है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं नहीं दूंगा। जो अस्पताल में वो नर्सिंग होम में नसीब मेरा नसीब नसीब मैं सब ठीक कर दूंगा। और सुनो इसकी देखभाल कौन करेगा? ये हाँ। देखो इसे दिन में 4 बार दूध पिलाना, समझे? दूध मैं पिलाऊंगी? नहीं नहीं दूध मैं पिलाऊंगा, मेरा मतलब मैं खरीद के ले आऊंगा दूध। पैसे मैं दूंगा। ना, ना, मैं कर लूंगा। देखो अगर इसका वजन कम हुआ तो हर हफ्ते 1 किलो वजन कम होने पर 100 रुपए जुर्माना होगा। अच्छा अच्छा चलो चलो। और 1 महीने का वादा है, समझे? मामा ये दांत दांत टाइगर के हैं। आप ले जाओ। चलो जल्दी से बच्चा लेके भागो, उसे पता ही नहीं हम लोग कहाँ रहते हैं। तो ये है तुम लोगों का नया घर। रसोई घर में दाल चावल घी शक्कर खाने पीने का सब सामान मौजूद है। सोने के कमरे बिस्तर है, तकिया, बाथरूम में टॉवल है, ड्रॉर में तुम्हारे लिए साबुन है, और तुम्हारे लिए साबुन लिपस्टिक और पाउडर भी। पसंद आया? अच्छा लो। अच्छा तो ऐसा करे मरे दिल से जैसे पहले महलों में रहता था। बंधु तुम भी वही खा करो। 1 मिनट जो हम खाते हैं हम बात करेंगे, तुम चुप रहो। अच्छा जी। हाँ तो मोहल्ले वालों में से कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो क्या कहोगे? क्या कहूँगा? तुम कहोगे कि तुम आसाम से आए हो, इंजीनियर हो, बीवी बच्चे के साथ यहाँ छुट्टी मना रहे हो। जी जी जी। अब तुम कोशिश करना
कि मोहल्ले वालों से हिल मिल जाओ और ये भी कोशिश करना कि बच्चा भी हिल मिल जाए। सबको मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों का एक बच्चा है, समझे? समझे खाक समझी। अगर तुम लोगों ने अपना पार्ट ठीक से नहीं अदा किया और भेद खुल गया तो जिस रुपए का हमने वादा किया है वो नहीं मिलेगा। मामा आगे से लाल झंडी दिखा। तुझे नहीं, इन दोनों को। अरे सुबह तुम चुप रहो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बस चलो यहाँ से, इनको अकेला छोड़ दो। चलो। अच्छा रीता जी, आप नहा धोकर आराम कर लीजिए, हम लोग फिर बाद में आ चलो, चलो। इतने दूर नेपाल से आए? नेपाल नहीं, आसाम से आए, थक गए होंगे। आप लोग आराम कीजिए, हम लोग चलते। बाय बाय। अगर उसकी मुझकी की जरूरत हो तुम घर को बोलना। चलो बाय। दरवाजा बंद कर लो। क्यों पड़ गया? थक गया का बच्चा। उठ उठ, उठ यहाँ से। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? अपनी माँ की गोद में। तकिया उठाओ, चादर उठाओ, अब बाहर जाके बरामदे में सो जाओ। लेकिन मैं और तुम तो पति पत्नी हैं। है नहीं, नाटक कर रहे हैं पति पत्नी का। अरे उल्लू, तुम जिसको अपना घर समझो तुम्हारा घर नहीं है। फिर क्या है? स्टेज थिएटर, हम तुम उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। बाबा तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो? मैं तुम मर्दों को अच्छी तरह समझती हूँ। उंगली पकड़ते पोंछा पकड़ने लगते हो। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पका। फिर पलंग पर औंधे क्यों पड़े थे? इसको उंगली पकड़ना कहते हैं। चलो बाहर जाओ, फोटो फोटो फोटो। बहन क्या है मीरा बहन? ये मर्द मार औरत आई है, आते ही मर्द को बाहर निकाल दिया। कहीं बट कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं? आजकल वो कहते हैं दो और तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे। आजकल प्यार में ऐसा ही होता है। मेरा एक टाइम उन्होंने मुंह चूम लिया, मैंने उठा के बिस्तर बाहर फेंक दिया। अरे मैंने तो कहीं बार बिस्तर बाहर फेंक दिया। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। पैसों के लालच में आकर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। तुमने इन्फॉर्मेशन दी है ये हमें मालूम है, और इसीलिए तुम्हें पकड़ कर यहाँ लाया गया। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देने से मेरा सोना बीच में चढ़ाप हो गया और मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे अपना सोना वापस चाहिए। इसलिए बता दो कि तुमने इन्फॉर्मेशन किसको दी है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन कैसे बता दो? वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तुम सिर्फ नाम बता दो, कोई तुम्हारा बाल भी वीका नहीं कर सकता। आप मुझे वचन देते हैं कुछ नहीं करेंगे? हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तुम सिर्फ नाम बता दो। मैंने कासम अली को बता दिया था। आपने तो मुझे वचन दिया, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे माफ कर। धर्मदास जो कहता है करता नहीं। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, युता सिंह 5 मिनट्स। Good evening, Mr. Thank you.
मैं आप लोगों को अपने प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलवाना चाहूंगा। तो जनरल पूछिए, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? धर्मदास जी, आपके यही एक लड़का है या कोई और भी औलाद है? ये नहीं, मेरा यही लड़का है, और कोई औलाद नहीं। कहते हैं धर्मदास जी, आपने एक से ज्यादा शादियां की थी, कितनी की थी बता सकते हैं आप? मैंने 4 शादियां की, लेकिन बदकिस्मती समझिए या खुशकिस्मती, आज 4 में से एक भी जिंदा नहीं। जब आपने आखिरी शादी की थी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और अब क्या है आपकी उम्र? जी, उस वक्त मेरी उम्र थी 35 साल। क्यों, पहली 3 शादियां क्या आपने बचपन में की थी? मेरी पहली 3 बीवियां 5-5 साल मेरे साथ रही, लेकिन कोई औलाद नहीं, इसलिए 15 साल बेकार हो, और वो 15 साल मेरे अपनी उम्र में से निकाल दी। क्या आप अपने बेटे को देखा? कैसा सवाल कर रहे हैं आप? ये मुझे जान और जहान से ज्यादा अजीज है। मैंने इसे देख रेख के लिए लंदन ट्रेन नर्स मैरिलिन को रखा हुआ है, जो 24 घंटे इसके साथ रहती है, और इसकी हिफाजत के लिए बुत्ता सिंह और उसके 7 बॉडीगार्ड्स और 4 अंग्रेजी शिकारी कुत्ते हमेशा साथ रहते हैं। इसे छींक भी आ जाती है तो मेरी जान निकल जाती है। जनमन, आप लोग कोई फोटोग्राफ लेना चाहते हैं? कौन हो तुम? ये चुटकी भाई है। तो तुमसा रामपुरी मामा होता ना? होता नहीं है, अभी मरा नहीं। तो मला सांगा तो कामा बदल, तुम्हें सांगा मैं कितने बजे आऊं, कितने बजे जाऊं? अभी तो मेरे लिए भांडे बर्तन नहीं है, कल से आना। झाड़ू कड़का भी नहीं? उसके लिए भी कल ही से आना। बराबर, ओरा ले मस्त है वो। अच्छा लगा तुम्हें? ले छाना है। ये कौन, तुमसा नौरा? नौरा मर्द, तुम जा कल आना। अच्छा अय्या, भाई को पलंगा वरती नवरा वरंडा मधी कॉलोनी मध्ये सांगायलाच पाहिजे। काय सांगायलाच पाहिजे? बाईचा नवरा। नवरा काय? वरंडा मध्ये झोपला, मला जाऊन द्या बाबा। क्यों नवरा, तुम वरंडा में सोए थे? हाँ। अभी अभी उठे हो? हाँ। जा बाथरूम जा, जाओ। ये वरंडा में सोया था? मगर क्यों? कमाल करती हो, अगर छुटकी को पता चल गया कि तुम लोग पति पत्नी का नाटक कर रहे हो तो सारी बस्ती को पता चल जाएगा। अरे 55 साल की उम्र में मैंने ऐसी चुगलखोर औरत नहीं देखी। क्या सर, आप तो कह रहे थे कि आपकी उम्र 58 साल है। ऐसा? हाँ तो कहा होगा 58 साल, लेकिन मेरी उम्र है 55 साल। लेकिन तुम्हें ये फिक्र क्यों? ये फिक्र तो मुझे होनी चाहिए। सुना मेरी बात पहले। तुम दोनों नव दंपति हो, एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि एक मिनट के लिए अलग नहीं रह सकते, और ये बच्चा तुम दोनों को इतना प्यारा है जैसे जैसे ये तुम्हारा अपना बच्चा है, और तुम दोनों अलग सो रहे हो। नहीं तो क्या उसे अपने पलंग पर सुलाओ? अरे साथ नहीं, पर उसे वरंडे में तो मत सुलाओ, कमरे में सुलाओ, जमीन अगर खाट पर सोए तो क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? मगर उसने अपने आप को संभालना सीखो। उससे कहो कि सोने से पहले वो ठंडे पानी से नहाए, उससे कहो कि सोने से पहले ठंडा पानी पीकर सोए, उसे ठंडा पानी पिलाओ, उसे ठंडे पानी से नहलाओ। लेकिन मेरा प्लान फेल न होने पाए, प्लान कहीं खराब ना हो। मगर मामा जी, ये तो बताइए। अरे प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान क्या है? अरे प्लान क्या, मैं खाक बताऊं? मुझे तो डर है ये लड़की सारा बिगाड़ने दे। जाओ तुम, नवीन को बुला लाओ वहां से। जाती हूं। खिलाओ बच्चे के लिए। हाँ। जाओ पहुंचा दो उसे। मामा अगर प्लान नहीं बताओगे तो ऐसा ही होगा। मामा जी मेरे पैसे बर्बाद हो रहे, प्लान बता दीजिए। बोला मेरी उम्र 38.5 साल की हो गई। 38.5। जाओ उधर जाकर बैठो, मैं प्लान सुनाता हूँ। चलो जल्दी आओ, तुम लोग जल्दी आओ, बैठो यहाँ। प्लान बताइए। बताइए ना। वही मैं बता रहा हूँ। ये देखो तस्वीर। बच्चा क्या? कुछ नहीं दिखता। बच्चा? बच्चा ये उस नालायक करोड़पति धर्मदास का इकलौता और चहिता बेटा है, जो 4 शादियों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद पैदा हुआ नहीं, पैदा किया गया। पूछो क्यों? तुम बताओ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि धर्मदास
10 करोड़ का आसानी है और उसकी ये नाजायज जायदाद लावारिस न रह जाए। आज से 7 दिन बाद उस आलीशान वारिस की पहली सालगिरह मनाई जाएगी और उस सालगिरह को मनाने के लिए दूर दराज से मुल्क की आलीशान हस्तियां तशरीफ ला रही हैं और यही खबर बंबई के सारे अखबारों में छापी गई है। लेकिन वो उल्लू का पट्टा मैतर इस सालगिरह को कभी मना नहीं पाएगा। पूछो क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो बच्चा वहां नहीं रहेगा, वो धर्मदास के घर से गायब होकर हमारे कब्जे में है। और धर्मदास बच्चे के लिए पागल हो जाएगा, उसकी वापसी के लिए मुंह मांगी कीमत देगा। और हम जब बच्चा वापस करने जाएंगे तो वो हमें पुलिस के हवाले कर देगा। मामा ऐसी प्लान में हमें मत घसीटो, मामा मत घसीटो। और फिर बच्चे उड़ाने के लिए ऐसे मामूली काम के लिए इतना बड़ा नाटक क्यों? ये काम हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, ये काम तुम में से कोई नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए इस दिमाग की जरूरत है क्योंकि धर्मदास तुम जैसा बुद्धू नहीं है। उसने अपने बच्चे की हिफाजत के लिए 8 जाट और 8 खूंखार कुत्ते रखे। कुत्ते? मामा जी, प्लान फेल हो गया। अरे मामा, 10 बजने दो। 10 बजे क्या होगा मामा जी? क्या होगा? कुछ नहीं। 10 बजने को 10 सेकंड है। 12 बजे भी कुछ नहीं होगा। 9वीं दवा हो गया मामा। आ जाओ मामा। ये कौन है? कौन है? ये धर्मदास के बच्चे का खास बॉडीगार्ड और मेरा खास दोस्त गुत्ता सिंह। हाय, कितना प्यारा बच्चा है। कौन लोग हैं ये? नए आए हैं लगता है इस मोहल्ले में। सिंधी लगते? सिंधी तो नहीं लगते, मद्रासी लगते हैं। कोई भी हो, हमें क्या करना, लोग अच्छे होना चाहिए। पूछ ही लेते हैं चल के। भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। आप शायद नए ट्रांसफर होकर आए, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? जी मैं और मेरी बीबी बंबई देखने आए। हम समझे थे आप बदली होकर आए। जी नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर का हूँ, ये इलाहाबाद की है। आसाम के माइंस में मैं काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ। हम समझे थे आप सिंधी या मद्रासी है। जैसी आपकी मर्जी। आपका बच्चा बड़ा प्यारा है। आजा आजा बेटा, आजा बच्चा। अरे वाह, आजा 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 बच्चा, आजा। कितना अच्छा सुंदर बच्चा। अरे वाह 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 वाह, मम्मी के पास जाएगा तू? अरे जा। कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, कितना बच्चा है, ये कितना अच्छा बच्चा है। अभी खेलने जाएगा बच्चा। खेलने चले जाओ बाबा। कितने दिन हो गए आपकी शादी को? शादी नहीं हुई। बच्चे का क्या नाम है? नहीं मालूम। अरे साहब, यह आपका अपना बच्चा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे किसी से मांग कर लाए हो? बात यह है कि हमारी शादी पुराने ढंग से नहीं, सिविल मैरिज हुई है। अरे ये आपका अपना बच्चा है और आपको उम्र नहीं मालूम? बच्चे का शौक मुझे है, इन्हें नहीं। ये बच्चे के बारे में बिल्कुल कोरी है। के सामने तो ऐसा न करो कि तुम इस बच्चे की माँ नहीं। ये मुसीबत कहाँ से गले में डाल दी? मुझसे नहीं होती बच्चों की देखभाल। लो संभालो इसको। ये क्या हो रहा है? रामपुरी मामा ने कहा था कि आज से हम दोनों पलंग पर ही सोएंगे, मियाँ बीवी की तरह। पहले जमाने में एक दस्तूर था, मालूम है तुम्हें? कैसा दस्तूर? जब औरत और मर्द एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे तो बीच में तलवार रख दिया करते थे। तलवार? लेकिन मेरे पास तो कोई तलवार नहीं। तकिया तलवार का काम देगा, हम दोनों एक ही पलंग पर सोएंगे मगर बीच में ये तकिया रहेगा। फर्स्ट क्लास। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि नीचे बहुत ठंड लगती थी, ऊपर बिस्तर तो मिलेगा। मगर एक बात याद रखना, अगर इस तकिए से उधर तुम्हारा हाथ आया तो हाथ काट डालूंगी। चुप्पी नहीं होता ये। बच्चों को सुलाने के लिए माँ गाने सुनाया करती है, ये गाना गाओ। दम मारो दम,
मिट जाएगा। ये नहीं कोई लोरी सुनाओ, बच्चों को सुलाना, कोई कैबरे नहीं करना।
आई एम सॉरी मामा। क्या हुआ मामा? प्लान में गड़बड़ी हुई। क्या हुआ? धर्मदास जो कल मामले से जाने वाला था ना, वो नहीं जा रहा। आराम जाए, प्लान में गड़बड़ी कर दिया। मामा अब क्या होगा मेरे पैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, इसके बेचारे के पैसों का क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ मामा, मगर कल तुम अगर मौका देख लो ना, शायद कुछ हो जाए। वैसे तो चारों कुत्तों को मैंने जमाल गोटा दे दिया है, वो हॉस्पिटल में। पर वो किसी को शो तो नहीं हुआ? शुभा और मुझ पर मामा। शाबाश शाबाश गुप्ता सिंह शाबाश। तू घबराते क्यों है? उम्मीद है पैसे मिल जाएंगे, कल अपन उसके घर चलते हैं। धर्मदास के? मामा मामा वहाँ तो कोई भी नहीं है, ताला है इतना बड़ा। कमाल हो गया, दिन दहाड़े घर होते हुए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरा प्लान चौपट हो जाएगा, कहीं ये लोग पति पत्नी के ड्रामा में वर्क नहीं कर रहे हैं। हो सकता है। हाँ उड़ जाएगा, हाथ में अंडा रह जाएगा, फूट जाएगा अंडा एक दिन, बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, हाथ में अंडा रह जाएगा। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चे को घर से उड़ाना नामुमकिन है। प्रश्न ये उठता है कि
कभी भी बच्चे को घर से बाहर भेजा जाता है या नहीं? हर गुरुवार को शेठ धर्मदास बच्चे को पब्लिक पार्क में घुमाने भेजता है। आज मंगल बुध बृहस्पति यानी दो दिन है। नवीन डेटा को इससे बात बुला लो, तुम जल्दी जाओ। तू जा, तुम ही जाओ, साथ जाओ। अच्छा चल रहा हूँ, चलना। अरे चल, चलना। अब ये बताओ साथ में कितने गार्ड होते हैं? सात। सात होते हैं। एक काम करो, बुधवार की रात को पांच गार्ड को खाने में छमाल गोटा खिला दो। अजी मैं सातों को खिला देता हूँ। नहीं नहीं, अगर सबों की तबीयत खराब होगी तो फिर वो धर्मदास को सुबह हो जाएगा, फिर वो बच्चे को भेजेगा नहीं। और कौन साथ जाते हैं? उसकी नर्स और ड्राइवर। नमस्ते रीता जी, मामा को बुलाया। आइए। काय करता रे? अरे अब्दुल, ये रीता नहीं है, ये चुटकी भाई है। चुटकी भाई, माफ करना। घटी बाहर गया। घटी बाहर गए। बाहर गया। किल गया, किल गया वो। किल गया हमको, किधर गया? मालूम नहीं। अब मामा को क्या मुंह से कर हाय रे हाय रे, ये दिल मेरा हाय रे हाय रे, दीवाना तेरा हाय रे हाय रे, हो गया हो गया खो गया। नजर से कहे बहुत अफसाने, बहुत दिनों तक रहे हो तुम बेगाने, रहे न अब कुछ ये दूरियां ये फासले, आओ चलो मिल जाए हम गले। सफर में चलते चलते दो अजनबी हम सफर बने हैं मिलके, नहीं है फिर क्या ये बात जो हम तुम यहाँ, आज बने हैं मिलकर एक जहाँ सनम, बने हम एक जहाँ। हाय रे हाय रे हाय रे हाय
रे हाय रे मन तेरा हाय रे हाय रे हो गया हो गया हो गया जी इत्तेफाक है हम दोनों एक दूसरे से मिले और इतने करीब आ गए मैं क्रिश्चियन तुम हिंदू और मिले भी तो पति पत्नी का नाटक करने के लिए लेकिन क्या ये नाटक सिर्फ नाटक ही रह जाएगा हो सकता है रामपुरी मामा का प्लान कामयाब हो जाए तो हम इस नाटक को हकीकत में बदल देंगे सच सच नवीन रीता नवीन रमन तुम दोनों कहाँ घुस गए रे घास में ए रामपुरी मामा ने बुलाया गोलू को लेकर जल्दी चलना है रिहर्सल है हाँ हाँ लेकर आती हूँ नवीन बटन लगा ले बटन मत जाइयो राधे जबना के पी जबना हाँ भैया पान खाओगे मुझे जानता हूँ मैं कौन हूँ मामा रामपुरी इस सफाई से गर्दन काट के हथेली पर रख लूंगा तो मैं पता नहीं चलेगा लेकिन मैंने क्या किया टाइगर सांडो के बारे में किससे कहा था तूने मैंने किसी कुछ नहीं कहा हाँ भैया असल मैंने कपूर से कहा था क्या उससे मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों कहा मुंह से निकल गया होगा भैया तुम तो रामपुरी मामा हो इस सफाई से गर्दन काट के उसके हाथ में दे दो भैया लेकिन मुझे माफ कर दो वो कहाँ है लतीफ के गोदाम में गोलू यही है इधर आओ तुम उस कुर्सी से छलांग मार के अंदर जाओ और ये दरवाजा खोल दो जाओ जाओ जल्दी अरे ठहरो लड़की पहले दरवाजा तो खुलने दो और सुनो तुम लोग जिस वक्त दरवाजा खुले तुम लोग धड़धड़ा के भीतर चले जाना और किसी भी तरह से गोलू को निकाल के बाहर ले मैं बाहर पैरा दूंगा यानी मरेंगे हम और भाग जाएंगे आप भोला तुझसे कई बार कह चुका हूँ कि प्लान बनाता है जर्नल और मरता है सिपाही या मैं हूँ जर्नल और तुम लोग सिपाही हो बस Thank you.
तूने मेरी खिचड़ी में चम्मच डाला है? रामपुरी, तुमने मुझे जेल भिजवाया था, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अरे बदला लेने से पहले तेरी पोपट जैसी नाक समेत तेरे टुकड़े कर दूंगा, समझा? चाकू दिखाकर तो कोई भी धमकी दे सकता है, बगैर चाकू की बात करो ना। ये बात ले। बोल, अब तो मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो फिर वापस बोला अपने लोगों को। शंकर, रामू, ए कलवा, भागो, पुलिस आ गई, जल्दी भागो। मैं जाऊं? क्यों रे? क्या है? शाबाश शाबाश। अबे काम करो, तुम लोग बच्चों घर में रखकर जल्दी से तबले में चले आओ। चलो अब गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। उस हरामी के बच्चे गफूर की वजह से हमारा एक दिन बर्बाद हो गया, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है रिहर्सल का कि किस तरह धर्मदास के बच्चे को उड़ाएं। सिर्फ एक रोज, बृहस्पतिवार के रोज, जुमेरात, हाँ जुमेरात के रोज धर्मदास अपने बच्चे को धर्मदास पब्लिक पार्क में घुमाने के लिए भेजता है। फिर तो उसे उड़ाने बहुत आसान है। आसान नहीं है, ये पब्लिक पार्क धर्मदास ने अपने पैसे से अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। अंदर आने या बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट है और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और उस गेट के बाहर धर्मदास के गार्ड खड़े रहते हैं, उनकी नजरों से बच के चींटी तक नहीं निकल सकती। बच्चा कैसे लाएंगे? हाँ, बच्चा कैसे लाएंगे? जिस तरह की बाबा गाड़ी में धर्मदास का बच्चा होगा, ठीक उसी तरह की बाबा गाड़ी भोला और तुम बाग में ले जाओगे और धर्मदास के बच्चे की गाड़ी के बराबर लगा दोगे। और मैं धर्मदास के बच्चे को उठाकर अपनी गाड़ी में रख लूंगी। इतना आसान नहीं, धर्मदास के बच्चे की हिफाजत के लिए एक नर्स है और एक ड्राइवर भी है। तो फिर ये काम कैसे होगा? तुम्हारी गाड़ी खाली नहीं होगी, उसमें गोलू भी होगा। गोलू? हाँ गोलू। अब जरा ध्यान से सुनो, धर्मदास के बच्चे की नर्स और धर्मदास के ड्राइवर में प्यार है। जब लोग प्यार में मग्न हो जाएं और बच्चे से उनकी नजर हट जाए, उस वक्त तुम गोलू की नहीं दूसरी गाड़ी लेकर मैं जहां खड़ा हुआ चली आओगी। दोनों गाड़ी एक सी हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को शुभ भी नहीं होगा, और ये प्लान मेरे दिमाग से ही निकल सकता है। और गोलू का क्या होगा? वही होगा जो हम चाहते हैं, नर्स गोलू को लेकर धर्मदास के घर पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं गोलू कुमार नहीं छोड़ूंगी, मुझे इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना है। क्या बकवास कर रही हो? कैसे नहीं लेना? तुमने कसम खाई है कि नहीं? कसम वसम कुछ नहीं, मैं अपने गोलू को किसी के पास नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह कमाल है, बिना तकलीफ की माँ बन गई। भूल गई, गोलू को हमने भाड़े पे लिया है और काम हो जाने के बाद उसके माँ बाप के हवाले करना है। जो भी, मैं गोलू को नहीं छोड़ूंगी, धर्मदास की उसकी देखभाल कौन करेगा? कहीं उसे कुछ हो गया तो? गोलू के लिए मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगी, और तुम लोगों ने गड़बड़ की, मैं पुलिस को खबर कर दूंगी और तुम सबको पकड़वा दूंगी। देखो रीता, तुम रोती क्यों हो? तुम तो जानती हो धर्मदास बहुत बड़ा आदमी है, उसका घर बहुत नौकर चाकर है, गोलू को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। नहीं मामा नहीं। देखो रीता देखो, गोलू तुम्हारा अपना बेटा नहीं फिर भी तुम्हें कितना प्यारा है कि नहीं? तो फिर तुम्हें बताओ रीटा, धर्मदास को अपना सगा बेटा कितना प्यारा होगा? उसे पाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा, हमें मुंह मांगी रकम देगा। और फिर दो ही दिन की बात है, दो दिन के बाद गोलू तुम्हारी गोद में होगा। सिर्फ दो दिन ना? ज्यादा से ज्यादा दो दिन। मैं तीन दिन देती हूँ आपको, अगर तीन दिन में गोलू वापस नहीं आया तो जो चाहूंगी करूंगी। अच्छी बात है, जो चाहोगी करोगी। ठीक। दीदी, मैं और भोला आ रहे हैं। अरे राम, अरे राम, अरे राम। माँ, माँ, तबीयत कैसी है माँ? बेटा वैसे ही है, कुछ ठीक नहीं हो रही है। तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। क्या बेटा? कल हमारा सबसे बड़ा काम हो रहा है। अच्छा? ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन? हाँ, अरे हाँ हाँ ऑपरेशन। देखो ना,
ये पैसे की बात सुनकर आपने हम दुख दर्द में सब भूल गए। नहीं बेटा भूल नहीं रही हूँ भैया। हमारा बहुत बड़ा काम है कल। आशीर्वाद दीजिए माँ। हाँ बेटा मुझे भी। तुम दोनों के सर पर मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा बेटा। लेकिन एक सबसे बड़ा आशीर्वाद तो बाकी है। क्या माँ? जल्दी से शादी कर ले, घर में बहू ले आ, फिर देख मैं कैसी तंदुरुस्त हो जाती हूँ। हाँ। शादी कर ले माँ। शादी वादी के बाद क्या कर रही हो? ए तू चुप रह, गड़बड़ ना कर। अपनी तो खुद शादी नहीं की, शादी में लंगा लगा रहा। ठीक नहीं होगा। अच्छा 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 ठीक है। देखा डर पैदा कर दिया फिर। माँ तो फिर मैं शादी कर लूँ? हाँ बेटा कर ले ना। बोला बोला, कल बहुत काम है, सुबह धर्मदास पार्क में जाना, अभी चल राम भरोसे होटल से खाने का डब्बा लेके घर चले। जाओ जाओ, तबियत संभालना है। देख शादी के बाद नहीं भूलना, घर में बहू लाना है। जल्दी खाना दे, कल बहुत काम है, तैयारियां करनी। अजीब मुसीबत है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ कहती है शादी कर ले, शादी कर ले, बहू ले आ, बहू ले आ। कहां से बहू ले आऊं, चोर बाजार से? अरे छोड़ ना, तेरी माँ तो की आदत है ये, वो मुझसे भी कहा करती थी शादी कर लो शादी कर लो, मैंने की शादी? लेकिन मैं तो शादी करूंगा, मैं माँ का दिल नहीं तोड़ूंगा, शादी करूंगा। मैं दीदी को समझा लूंगा, तू शादी वादी के चक्कर में मत पड़, फंस जाएगा। नहीं मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा। तो कर ले शादी, मुझे खाना दे पहले। लेकिन किससे शादी करूं ये भी मुझे कहना पड़ेगा। हाँ तुम मेरे मामा हो और मामा ही शादी करवाता है। तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम्हारा कोई मामा नहीं। बस 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 बस, घी जाए खिचड़ी में। खिचड़ी में? तू रीता से शादी कर। कुछ क्यों? क्यों? रीता के हिस्से के 50,000 वो भी घर आएंगे, इसीलिए कह रहा था घी जाए खिचड़ी में, समझा? लेकिन मैं उससे शादी की बात करूं कैसे? अरे बात करने की क्या जरूरत, सीधे उसके कमरे में घुस जा, उसके पलंग पर बैठ जा, खिसक खिसक के उसके पास पहुंच, उसे खींच और चूम ले। बस चूम लूं? कोई बुरे नियत से तो चूम नहीं रहा, तू तो उससे शादी करने वाला है, चूम लूं? हाँ। और देख इस शुभ काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर दूसरा दूसरा उसे चूम ले तो 50,000 रुपए चले जाएंगे। बोले बोला, बोले रात गए, कोई खास बात है क्या? बात क्या है बोलो? अरे कुछ तो बोलो। क्या हुआ क्या है? भोला कि प्लान गड़बड़ हो गया क्या? क्या हुआ रीटा? कुछ नहीं, वो भोला आया था, कुछ कहा भी नहीं, यूं चला गया। दस बज रहे हैं, अब आते ही होंगे। ड्राइवर और दूसरी है नर्स। ठहरो ठहरो, बच्चे को लाने से पहले मेरी बात सुनो। इस प्लान के कामयाबी का दारोमदार तुम दोनों पे है, समझे? ले बच्चे को। गोलू गोलू बेटे, अच्छा अच्छा आ। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं गोलू। ठीक है ठीक है, ये सारा काम खत्म करने में सिर्फ 10 मिनट लगना चाहिए, समझे? याद रखना सिर्फ 10 मिनट।
गुली 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 गुली। अरे भोला, कल रात तुम आए, कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ हाथ रखा चले गए। भूल जाइए ना, रात गई बात गई। फिर भी बताने क्या बात है? ऐसे कोई बात नहीं थी, आप किसी से कहिएगा मत कि मैं आपके घर आया था, क्योंकि देखो वो दोनों लवर्स लेन में घुस गए। चलो चलो। मार्लिन, मार्लिन कुछ बोलो ना मार्लिन। मार्लिन आखिर तुम उसे क्यों रूठ गई, बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो मार्लिन। नहीं यूसुफ, हमारा लव जास्ती दिन नहीं टिकेगा, तुम हमको जरूर धोखा देगा। नहीं मार्लिन नहीं, ऐसा मत बोलो मार्लिन, अभी तो हमारा रोमांस का गाड़ी पहला गियर में भी नहीं पहुंचा है। नहीं यूसुफ, उसका पेट्रोल कब का खलास हो गया है, कोई आ रहा है? नहीं मार्लिन कोई नहीं, ये तो मेरे दिल के टूटने की आवाज है। तुम्हारा दिल सच्ची टूट जाएगा यूसुफ। हाँ मार्लिन। सच्ची टूट जाएगा यूसुफ। हाँ मार्लिन। सच्ची टूट जाएगा। हाँ मार्लिन। सच्ची टूट जाएगा। हाँ मार्लिन। सच्ची टूट जाएगा। हाँ मार्लिन। बाबा बड़ा तंदुरुस्त हो गया है। Thank you.
सेठ जी, सेठ जी मुझसे भूल हो गई, माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी सेठ जी। हमारा कोई फॉल्ट नहीं सर, हम उधर ही था। हाँ सेठ जी, मैं गाड़ी की कसम खा के बोलता हूँ, हम लोग वहीं पर थे। कहीं नहीं गए थे तो बच्चा कैसे बदल गया? सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? सच्चा बात यह है सर कि हम धूप में चड्डी सुखाने गए था। वहाँ चड्डी उतारने की क्या जरूरत थी? हमारा नहीं सर, मुन्ने का चड्डी। और तू लुके बच्चे? मैं तो चड्डी पहनता नहीं सर जी। सेठ जी के बच्चे, सच्चा बताओ मुन्ना कैसे बदल गया? वरना इतना पिटवाऊंगा कि खाल तक उतर जाएगी। ऐसे नहीं बदलाएगा तू, बदला। हमारा कोई फॉल्ट नहीं सर, फॉल्ट इसका है। क्या किया था इसने? ये हमारे साथ लव कर रहा था। तुम्हें श्योर? सर मैं अकेला नहीं कर रहा था सेठ जी, ये भी मेरे साथ कर रही थी। तो मुन्ना इसलिए बदल गया कि तुम दोनों लव कर रहे थे और पता नहीं लगा कौन आया और कौन चला गया। गुत्ता सिंह, ले जाओ इसको और सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर दो। कुलकर्णी, धर्मदास। जी हाँ धर्मदास। सारे शहर को छान मारो, पता लगाओ उसने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा रखा है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। किसी को खबर नहीं होगी, मैं भी जाता हूँ। इतनी बड़ी हो के रोती हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहने दो, मुझे गोलू चाहिए, कहीं से भी ला के दो। जब तक धर्मदास पैसा नहीं देगा गोलू कैसे आएगा? वो नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता, हम उसे लाएंगे। कैसे ला सकते हैं? अगर हम धर्मदास के पास गए तो पूरा भांडा फूट जाएगा, मैं और तुम दोनों अंदर हो जाएंगे। मैं उसके लिए अंदर भी जाने को तैयार हूँ। रीटा तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात ही करती हो। अगर गोलू वापस आ भी गया तो क्या तुम्हारे पास रहेगा? उसका बाप मौजूदा फौरन आके वापस ले जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे गोलू चाहिए, मुझे गोलू चाहिए। जय मां काली, जय मां काली। अब्दुल, एक मेरा भांजा जो कभी मुझे मानता नहीं, अब बोल ये प्लान मास्टर प्लान है कि नहीं? तो फिर सबके सामने मेरी तारीफ कर। मेरा मामा गामा है। मामा, कहीं उसने अखबार वालों को खबर कर दी तो? अरे बोले, वो भी चोर हम भी चोर, चोर के हाथों कोई चोर अपनी बेइज्जती खराब नहीं करता, क्या अब्दुल? बिल्कुल सही है। तो फिर अब तू भी मेरी तारीफ कर। अरे वाह मामा, जवाब नहीं तुम्हारा, लाख रुपए की बात कही तुमने। 1 लाख की क्यों, 3 लाख की बात कही है? हम 6 आदमियों को 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000? मामा, मेरी लागत के 3,700 रुपए इस जश्न का खर्चा मिला के कौन देगा? अरे जहाँ 50,000 मिल रहा वहाँ तुम 3,700 की बात कर रहे हो? ठीक है, मुझसे ले लेना, चलो आगे बढ़ो। तुम मुझसे ले लेना, समझे? अरे छोड़ा, अरे इस खुशी के मौके पर तुम पैसों की बात कर रहे हो? लाना था यार, देखो जश्न मनाओ, पियो, खुश रहो। यानी तुम सब खुश हो, सुखी हो, किसी को किसी बात के गम नहीं, तो फिर इस खुशी के मौके पर एक गम की खबर सुन लो, तुम लोगों को 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे। क्या क्या क्या? तुम लोगों को 50,000 नहीं, 42,857 रुपए 14 नए पैसे मिलेंगे, यानी 7,142 रुपए 86 नए पैसे गम। मामा, पैसे मिलने से पहले ही काट लिया तुम अपना कमीशन। क्या गुप्ता सिंह को कुछ नहीं मिलेगा? उसने कुछ नहीं किया। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ पहले नहीं बताया, अब बताया, क्या फर्क हुआ? अब बता के क्या फायदा? इसलिए तुम हमको जेल भिजवाते हो, तुम ही हमको फंसवाते हो। यह बात मैं तुम लोगों को फंसवाता हूँ,
मैं तुम लोगों को जेल भेजवाता हूँ। अरे इतना बड़ा काम है, प्लान बना है, उसका ये बदला दे रहे तुम। ठीक है, धर्मदास का बच्चा तुम लोगों के पास है, मैंने अपना काम कर दिया, अगर मेरी जरूरत नहीं तुम लोगों मैं चला। नहीं मामा, मामा, मामा नहीं, मामा नहीं। फिर आइंदा ऐसी बात कभी नहीं करना। नहीं नहीं मामा, मामा, मामा। पकड़े रहो जब तक मैं पीता हूँ। अरे मुझे एक तसीम को फोन करना था, चल भले तुम लोग जाओ। जा घर जाके सो जा, जा। मैं अच्छा नंबर में जाऊँ। दरवाजा बंद कर लेना, आज मैं इतना पीऊंगा इतना पीऊंगा इतना पीऊंगा। चलना चल, चल। मैं तू जा, अंकल के पास जाऊंगा, दाल बड़ा खरीदूंगा, बहुत पीऊंगा रे। हेलो 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 हेलो, कौन है आप? गुप्ता सिंह, मैं मामा रामपुरी बोल रहा हूँ। ठहरो ठहरो, धर्मदास को मत दो, मेरी आवाज़ शायद पहचान जाए। मैं बोला बोले हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बोला बड़ा कबूतर गैंग। मैं बड़ा कबूतर गैंग की तरफ से बोल रहा हूँ। बड़ा कबूतर गैंग, आप लोग चाहते क्या है? जी आज बागी जैसे आपका बच्चा बदली नहीं हुआ, चुराया गया है और हम लोगों ने उसे चुराया है। आपका बच्चा लौटाने के लिए हमें 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख रुपए मेरे बाप की प्रेस में नहीं छपते, माँ के प्रेस में। अरे काट दिया उसने। क्या काट दिया? अरे टेलीफोन काट दिया। रख दे मामा पैसे। चुप, कौन सा पैसे? 20 पैसे। अरे वो तो गए। पर उसने टेलीफोन काट कैसे दिया, समझ में नहीं। अरे वो डरा नहीं बिल्कुल, कोई बात जरूर है, दाल में कुछ काला है। कुत्ता सिंह, मेरा बच्चा बदला नहीं गया है, चुराया गया है। जाओ और पता लगाओ धर्मदास से चक्कर लेने की हिम्मत किसने की। ये बड़ा कबूतर गैंग कौन सा है? क्या जाओ। के बारे में कुछ मालूम है? बड़ा कबूतर? हाँ हाँ बड़ा कबूतर गैंग, कुछ नया आदमी उसमें शामिल हुए? नहीं तो बड़ा कबूतर चले गए, हम बना रहे बड़ा कबूतर की रहे, अभी बना रहे कभी लाएगा। जानते हो बड़ा कबूतर गैंग को? जानता हूँ, मानता हूँ, पहचानता हूँ। आगे क्या बोलो? अरे कौन है तुम, दिखा सकते हो? अरे दिखा भी क्या रखा है, दिखा भी सकते हो तुम, माल दिखा सकते हो मेरे को, माल दिखा सकते हो बेवड़ा भी है मेरे को। हाँ बहुत माल मिलेगा, नहला दूंगा बेवड़े से। सचमुच? मेरे बॉस के पास चलो। वे किराया हो? किराया हो भाई? चलो मेरे को पिलाया, खूब पिलाया, खूब पिलाया, खूब पिलाएंगे, मैं खूब दूंगा, मैं सब दूंगा।
बॉस, एक आदमी लाया हूँ जो गैंग के बारे में जानता है। कहाँ है वो? उसे साथ लाया हूँ। ले आओ। पूरा नहीं होगा मामा। कैसे नहीं होगा? तेरी वजह से आज पासा पलट गया होता है। मामा, वो खुशी का मौका था, पी गए, वरना कभी नहीं पीता। वादा कर कभी नहीं पिएगा? वादा करता हूँ मामा, कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा तो एक काम कर, इसी वक्त तुम दोनों कॉलोनी चले जाओ और वहाँ किसी भी बात का शक हो तो फौरन मुझे आके खबर दो। आजा भाग। मैं भी सोच रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसी ने गड़बड़ किया था। बाबा कमरे में मत जाना। काय वाला वो उसकी उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे लगने वाली बीमारी होगी। हाँ, तुमको लग जाए तुम अंदर जाओगी तो। बीमारी? हाँ, कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी माता। अगो भाई, कॉलोनी मध्ये सांगायलाच पाहिजे। क्यों चुटकी भाई, कोई ताजा खबर? बोलो, बीमार है, चेचक हो गई है। चेचक हो गई? इसी कॉलोनी में काम करती हूँ? हाँ साहब। यहाँ किस किस के पास बच्चे हैं? यहाँ सब अपने अपने बच्चे हैं। तुमने यहाँ कोई नया बच्चा देखा? नया बच्चा नहीं साहब, क्यों पूछ रहे हो? एक बच्चा चोरी हो गया, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें कुछ मालूम हो तो पुलिस स्टेशन में खबर कर देना। बड़ा साहब। ए चुटकी भाई, पुलिस तेरे को क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था कॉलोनी में कोई नया बच्चा आया बोल के। तुम क्या बोला? हम नहीं बोला, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो मामा को बताएंगे। चलो चलो। सुनो धर्मदास, पुलिस को खबर करके तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया। बगैर पैसा दे तुम्हें बेटा नहीं मिल सकता। मुझे अपना बच्चा चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो फिर ध्यान से सुनो, 5:30 बजे के लोकल जो दस स्टेशन पर पहुंचती है, उससे 3 मिनट पहले वो एक पुल पर से गुजरती है। उस पुल के नीचे हमारे 2 आदमी खड़े रहेंगे, लाल और हरा झंडा लेकर। काले बैग में पैसे भरकर तुम उन दोनों की तरफ फेंक देना, समझे? तहसील स्टेशन से पहले पुल पर, पैसा काली बैग में। बच्चा तुम्हें तहसील स्टेशन में मिल जाएगा। हेलो, कौन? धर्मदास जी। जी हाँ, मैं धर्मदास बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं गोलू। कैसा है गोलू? कौन गोलू भाई? जी बच्चा जो आपकी बदल गया है। क्या जानना चाहती हैं आप उसके बारे में? उसकी तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत डॉक्टर ने कहा है कि। डॉक्टर ने क्या हुआ गोलू को? क्या कहा डॉक्टर ने? हेलो हेलो, कौन है? ठहरो, क्या मुसीबत आ गई? मेरा बच्चा कहाँ? क्या हो गया उसे? कॉलोनी के लोग कहते हैं उसे चेचक हो गई है। कहाँ है वो मुझे दिखाओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोडूंगा। अरे क्या, अरे छोड़ दी क्या बात हो? मैं घर में आया हूँ तो मेरा बच्चा मुझे दिखाते क्यों नहीं? अरे तमीज से बात करो। अरे क्या तमीज से बात करें, मेरा बच्चा बीमार है, दिखाते क्यों नहीं? लोग बकवास करते हैं, किसने कह दिया तुम्हारा बच्चा? चलो अंदर, चलो मालूम हुआ वो बीमार है, दिखाते क्यों नहीं? किसने कह दिया तुम्हें बीमार है? मेरा बच्चा कहाँ है? लोग कहते हैं उसे चेचक हो गई है। लोग बकते हैं, वो बिल्कुल भला चंगा है। भी मसाज किया, रीटा लहला ले गई है। मैं यहाँ आया था उसी वक्त क्यों ले गई? मुझे दिखाया क्यों नहीं? अरे थोड़ी देर बैठ जाओ, देख लेना बच्चा को छुपाने की चीज तो नहीं। मैं कहता हूँ मेरा बच्चा दिखाओ, वरना बच्चा बाथरूम में। आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे ये क्या शोर मच रहा है? कॉलोनी के लोग कहते हैं मेरे बेटे को चेचक हो गई है। अरे भाई तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है तो दिखा दे क्यों नहीं? अरे सुनो ना,
अरे दिखाती इसलिए नहीं कि तुम्हारे बच्चे बदल कर हम दूसरे बच्चे ले आए। जाओ मजाक किया, मजाक किया, मजाक। ये जब भी आता है पैसे के चक्कर में आता है। तुमने उसे क्या कहा है? मैंने तो कहा वो बाथरूम में। झूठ क्यों बोला? बाप से कभी झूठ बोलते? आपको बोला कि बच्चा बाथरूम में। पागल आदमी हो, छूट की उसको घुमाने के लिए ले गई है। ये लीजिए 100 रुपया नेक्स्ट वीक का एडवांस। आप कभी फिक्र मत कीजिए, छूट की जब तक है आपके बच्चे की देखभाल ऐसी करेगा। बच्चे की ऐसी देखभाल करती है जैसे हम सबका बच्चा। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। बच्चे की आवाज एक हफ्ते बाद। बहुत मेहनत करा बड़ा। ₹3,00,000 क्यों है? पैसा है, पैसा। पत्थर झंडी दिखा जाके लाल झंडी। बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, हाथ में अंधा रह जाएगा। धर्मदास चोरों में भी ईमान होता, लेकिन तुम हो बेईमान, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। धर्मदास जो कहता है वो करता नहीं। ये मतलब हुआ कि तुम इतने कमीने हो कि तुम्हें अपने बच्चे से प्यार नहीं, तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कमाल करते हो। अरे दुनिया कहेगी कैसा बाप है जिसे जिसे अपनी इकलौते बेटी की परवाह नहीं। आपका जो बच्चा मेरे पास है मुझे बेहद पसंद है। मेरा बच्चा आप रखिए और आपका बच्चा मैं रखता हूँ। मेरा बच्चा तुम क्यों ना रखोगे? तुम्हारा बच्चा कल मुआज छिचड़ा 24 घंटे रोता रहता है, क्या तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। और हाँ, जिन्होंने कल रात को मुझे टेलीफोन किया था उनसे कह दीजिएगा कि गोलू बिल्कुल ठीक है। अरे बच्ची साहब, हेलो हेलो, किस औरत को फोन कर दिया? ये जरूर रिटर्न। क्या क्या रिटर्न है? वो गोलू की असली माँ बन बैठी ना। क्या होगा? अब क्या, मुझे मत दोष देना, सारा खेल चौपट हो गया। तो अब क्या होगा मामा? अब कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर, सबको तबेले में बुला ले। कुछ भी हो, कोई जेल जाए, किसी को फांसी लगे, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे मेरा गोलू चाहिए और बस, और मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती तो जान लो, इस जुर्म में तुम भी हमारे साथ शामिल हो, दोबारा जेल जाओगी। हाँ जाऊंगी, गोलू को हासिल करने के लिए जेल भी जाऊंगी। गोलू के बाप टाइगर संडो को क्या क्या जवाब दोगे? मामा तुमने ये सब खेल बिगाड़ा है। जवाब दो। क्या जवाब दूं? खेल मैंने बिगाड़ा है, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ। अरे मैदान में घुड़सवारी गिरते हैं, वो क्या गिरेंगे जो पैदल चल रहे हों? ये कोई नहीं सोचता कि 70-75 साल की उम्र में इस बीमारी की हालत में मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया, इतना बड़ा खेल खेला। हार गया तो क्या हुआ, खेला तो सही। माफ करना, तुम लोगों को बड़ी तकलीफ दी, आज से हमारी टोली खत्म। तुम लोग रफू चक्कर हो जाओ। रफू चक्कर हो जाओ, ये कैसे कह सकते हैं आप?
गोलू के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं आप, उसके लिए कुछ तो सोचिए। आपने तो सिर्फ ये कह दिया कि खेल हार गए तो क्या, उस नन्हे से जान के लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं, कोई प्यार नहीं, क्या वो इस खेल में सिर्फ एक खिलौना था? मामा गोलू को वापस लाने की तजवीज़ कीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गोलू चाहिए मामा, सिर्फ गोलू मामा। रिटम मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मामा हिम्मत मत हारिए, आप जरूर कोई तरकीब निकाल सकते हैं। अगर हम गोलू को वापस ले आए तो धर्मदास की पूरी तरह से शिकस्त हो सकती है। अगर गोलू वापस आ जाए तो हमारे पास एक से दो बच्चे हो जाएंगे और धर्मदास नाक रगड़ के पैसा देगा। प्लीज रामपुरी मामा प्लीज। गुप्ता सिंह को खबर करो। इधर देखो मामा, ये है वो चोर दरवाजा जो 20 साल से बंद है, अगर इसका ताला खुल जाए तो अंदर आना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सब लोग सालगिरह के जश्न के दरमियान अंदर ना आ पाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर आप अंदर आ गए तो बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ये हमारे लिए आखिरी मौका है, गोलू के लिए हम सब अपनी जान तक लड़ा देंगे। हम सब अपनी जान की बाजी लगा देंगे माँ, हम गोलू को वापस ले आएंगे, धर्मदास पैसे देगा और तेरा ऑपरेशन होगा माँ। मगर बेटा तेरे मामा के प्लान में गड़बड़ी कैसे हो गई मेरी समझ में नहीं आ रहा है। धर्मदास मामा की समझ से ज्यादा होशियार निकला, लेकिन हम ये गड़बड़ी सब ठीक कर देंगे, हम सब अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं माँ। तेरा आशीर्वाद चाहिए माँ। हाँ जाओ बेटा जल्दी जाओ, अपना काम होशियारी से करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारी सहायता कर, जल्दी जाओ। अरे मैं संभालूंगी, तुम जाओ जल्दी। यूसुफ यूसुफ मार्लिन 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 मामा ये कुत्ता क्यों साथ ले आए? अरे ये कुत्ता नहीं कुतिया है, वक्त पर काम आएगी। चल। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे दावतनामे को कबूल फरमाकर यहाँ आने की जहमत फरमाई और इस शानदार महफिल की रौनक बढ़ाई। लेकिन धर्मदास जी असली महफिल की रौनक कहाँ है, उसके दीदार तो करवाइए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस महफिल की असली रौनक इस शानदार महफिल में शरीक ना हो पाएगी। मगर क्यों? अफसोस की बात यह है कि कल एक हादसा हो गया, मेरे लखते जिगर को नहाते वक्त एक छींक आ गई। अब शहर के तमाम डॉक्टरों की एक ही सलाह है कि उसे अपनी पहली सालगिरह अपने बेडरूम में ही मनानी पड़ेगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि डॉक्टरों ने हम लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंजॉय योरसेल्फ, चीयर्स। खुशी का समा ये हसीन जहां, अरे तुझको तेरे जहां मुबारक हो, मुबारक हो, ये रात जवा ये खुशी का समा ये हसीन जहां, अरे तुझको तेरे सदा।
Thank you.
डरो नहीं, डरो नहीं, जा अपना कुटिया चरित्र दिखा दो। माँ की हालत तो बहुत खराब है। अरे अब तो किसी हालत में पैसे की जरूरत है। लेकिन मेरे पास तो सब पैसे खत्म हो चुके हैं मामा। मालूम है बोला। लेकिन माँ को आने की जरूरत क्या थी? ये तो जब होश में आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अब तो किसी हालत में भी उस धर्मदास से पैसे वसूल करना है, चाहे जान क्यों चले जाए। हाँ मेरे साथ। नमक हराम, हराम ज़ादे, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कितने में बेचा अपने माँ को? कई लोगों के साथ मिल गया है। नहीं मैं तुझे जमीन में जिंदा गड़वा दूंगा। नहीं जाल। बोल बोल कुत्ता सिंह, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? बता दे कौन है वो लोग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। बोल बोल। ये ऐसे नहीं बताएगा, ले जा उसको, बोलते बंद कर दो। कौन है तो क्या हुआ? कल तो नहीं था। रात भर में बैठोगे, चल चल अपना काम कर। जाने मत ना, पकड़ लेना। क्यों? सारी बस्ती में जाकर फूंक देगी यार दो बच्चे। आई तेरी गोलमाल है, कॉलर ने मुझे सारे रस। अरे चिपकी भाई, चिपकी भाई, आई भाई, थोड़ा मला सोड़ा, थोड़ा इधर सोड़ा, थोड़ा इधर। चिपकी भाई को बदनाम है। अरे उसकी परवाह नहीं, छोड़ सारी सारे तार आकर घुसती है। थोड़ा थोड़ा कौन कौन ये गधे बच्चे को देख के बस्ती में बता ली जा रही थी ऐसी बात है? अरे छुटकी भाई तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो, हम खुद ही बता देते हैं। चलो वही मैं सोचती हूँ, कहीं औरतों को बांधने की हवा तो नहीं चल रही है, कहीं हमें ना बांध दे। ये बात तो नहीं है, छुटकी को बांध के कहीं खून ना कर रहे हो, चाहे हमारा नहीं खून कर दे। 3000 रुपए इतना तुम्हारे पास नहीं, तुम कितना देते हो? 1500। 1500 में कहीं ऐसे खूबसूरत बच्चे मिलते हैं? हमारे पास और रुपया नहीं है। ऐसा कर, न तुम्हारा ना इसका, 2000 ले लो।
दे दो ना इतने में, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम नहीं दोगे तो हमारी शादी रुक जाएगी। अरे वाह, ये अच्छी कही, बच्चा दूसरे का शादी तुम्हारी रुक जाएगी। यही तो शर्त है मेरी और रीटा की शादी। दे दो ना प्लीज। जाओ तुम भी क्या याद करोगे, दिया 2000 में, निकालो रुपया। घर चलो देते। Yes. इंस्पेक्टर साहब, एक बच्चे का दो बच्चा हो गया। एक बच्चे के दो बच्चे? चुटकी को भी बांध दिया। भाई को बांध दिया? कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोपी कृष्ण कॉलोनी चेंबूर। मैं बड़ा कबूतर बोल रहा हूँ। तुम जीते और मैं हारा। बोलो, पैसा लेकर मैं आता हूँ, तुम बच्चा लेकर आओ। ये तो मान गया। मामा जितने भी पैसे थे ले लो। हेलो, आप गोलीबार यानी जहाँ चांदमारी होती है वो जगह जानते हो? कहाँ? गोलीबार मैदान में। तो वहां ले आओ पैसे, रात के 9:30 बजे। ऑलराइट। दे तो रहा, लेकिन इतनी आसानी से कैसे मान गया? बुत्ता सिंह ने तो मना नहीं लिया। आज तुम लोगों के लिए आखिरी मौका है। इस बड़ा कबूतर गैंग ने शेर की मांग में हाथ डाला है। मेरा इशारा पाते ही सबको चुन चुन का खत्म कर देना। हम लोग आ गए हैं, सामने आओ और सौदा खत्म करो। हम लोग भी आ गए हैं, पैसे लाए हो? लाए हैं, बच्चा दे जाओ और पैसे ले जाओ। ऐसे नहीं, पैसा जहाँ तुम खड़े हो वहाँ छोड़कर चले जाओ, हम बच्चा वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तुम लोग सामने तो आओ, सौदा तय हो चुका है, अब तो दोस्ती कर ले। हम नहीं आ सकते, हम पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, दिख रहा है तुम्हें? वो लोग सामने पेड़ों पर बैठे हैं, मेरी गोली चलते ही तुम लोग भी अच्छी तरह निशाना लगाकर गोलियां चलाना, एक भी ना बचने पाए। गोली लगी। फायदा नहीं मोटू राम, वो पुतला है पुतला। बड़ा कबूतर कहाँ बैठा है तुम्हारे बाप तक को पता नहीं लगेगा। लेकिन गोली चलाकर तुमने ये जाहिर कर दिया कि तुम पैदाइशी बेईमान हो, और हम हैं बड़ा कबूतर, कोई पालतू पोपट नहीं कि तुम्हारे हाथ में आ जाए तुम गर्दन मरोड़ दो। धरमदास, गोली हम भी चला सकते हैं, लेकिन हम अहिंसावादी हैं, इसलिए तुम्हारी जान नहीं ले रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए और तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। हार में जाए बच्चे, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे, इसका इलाज भी मेरे पास है। लो। सेठ जी, मैं आपका खादम गुत्ता सिंह बोल रहा हूँ। नमर हराम कुत्ते, बेसानिया। आप तो जानते हैं कि मैं आपका सारा राज जानता हूँ, आप सीधी तरह से पैसे दे दीजिए, वरना मजबूरन मुझे पुलिस के सामने
आपका सारा भांडा फोड़ना पड़ेगा। पैसे देते हो या पुलिस में जाऊं? अरे गुप्ता सिंह, पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? हम लोग अभी मिलकर सौदा खत्म कर सकते हैं। अरे ये तो मामूली सी बात है, तुम सामने तो आओ, मैं वादा करता हूँ गोली नहीं चलाऊंगा। बंदे को कफूर कहते हैं, आपका दोस्त हूँ और बड़ा कबूतरा दुश्मन। चाहते क्या हो बदला? क्या सबूत है कि तुम हमारे दोस्त हो? मैं नहीं हटता हूँ, इसकी पेशानी पे साथ रखिए, खुद ही मालूम हो जाएगा। कदे मामा भोला, तू फिक्र न कर, तू फिक्र न कर भोला। करमदास उस लड़के को छोड़ दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाला कर देता हूँ। कपूर साहब की खातिर करो, मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अरे खेत करे, अरे तुम नहीं, अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो गुप्ता सिंह को हमारे हवाले करो। मामा मुझसे जीत जाएगा। अब तो मैं आ गया, इसे तो छोड़ दो। खबरदार कोई आवेदन नहीं। धर्मदास अब तो तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में है, सीधी तरह से पैसे ले आओ और जहाँ खड़े हो वहीं रख दो, आधे घंटे बाद बच्चा उसी जगह पर तुम्हें मिल जाएगा। अब तो हार मान जाओ बड़ा कबूतर से, अब कोई चाल चलने की कोशिश मत करो, पैसे रख दो। मैं पैसे भेज देता हूं। कामयाब हुआ और साथ साथ मुझे ये भी पता चल गया इस दिमाग का कोई जवाब नहीं है, पैसे भी मिल गए और पुलिस भी साफ हो गई। मामा पुलिस गुप्ता सिंह तू भाग जा, तू भाग जा। अरे भाग तो भाग ना तू। तुम्हें सेठ धर्मदास का बच्चा चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बच्चा ले, हेलो मामा, मामा हम तुम यहाँ काम हो यहाँ पे? नहीं मामा, हम भी आपके साथ चलेंगे। कैसी पागलों से सी बातें कर रही हो, तुम दोनों के सामने सारी जिंदगी पड़ी है, पुलिस देख ले। मामा प्लीज चल 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 यही रहो। माफ कीजिए बोला, इस बार तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा, हम सब साथ चलेंगे। चलो और तुम लोग। इंस्पेक्टर साहब, धर्मदास के बच्चे को सिर्फ इसने अकेले ने चोरी नहीं किया, हम सब ने मिलकर चोरी किया। क्या पकते हैं तुम? अरे पूछ लीजिए इनसे, इसलिए तो हम सब एक साथ जेल जाना चाहते हैं। मामा, माँ का क्या होगा? अरे भोले,
जिसने जन्म दिया उसने रोटी देने का भी वादा किया है। इंस्पेक्टर साहब, हम अपने आप अपना जुर्म का करार करके हमें क्यों नहीं ले चलते साथ? चलो भैया। रामदास जी, आप? वेल डन इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा हुआ जो आप मुझसे पहले पहुंच गए। आप वाकई तारीफ के हकदार हैं। मैंने पैसे देके इन्हें पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन जरा सी देर हो गई। अब ले जाइए इन्हें बड़े घर। बड़ा कबूतर गैंग, चींटी हाथी से टक्कर लेने चली थी। रामदास जी, ये हाथी और चींटी की लड़ाई नहीं, ये तो जुआ है। पासा फेंका था, सोचा था सीधा पड़ेगा, उल्टा पड़ गया। पासा पलटते देर नहीं लगती। कमिश्नर साहब, रामदास यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन कमिश्नर साहब, हम मुद्दत से तुम्हारे पीछे थे, मगर सबूत ना होने की वजह से हम कुछ ना कर सके। आज बूटा सिंह से तमाम सबूत मिल गए। अरे वाह गुप्ता सिंह, शाबाश, जो तुम कमिश्नर साहब को साथ ले आए। मैं तो समझा था कि ये मोटू बच के निकल गया। गुप्ता सिंह के बयान के मुताबिक हमने जहाँ जहाँ छापे मारे वहाँ से सोना चांदी स्मगलिंग के कागजात मिले, जो तुम्हारे खिलाफ काफी है। 50 लाख रुपए का सोना पकवाने के बदले 50,000 रुपए का इनाम गुता सिंह को मिलेगा। अरे सुन लिया भोले, मैंने कहा था उस पर भरोसा रख। गुता सिंह, दीदी का ख्याल रखना। लेकिन कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर, इन्हें भी ले जाओ। यस सर। अरे धर्मदास, पहले मैं। चाहे बने कोई हर फन मौला, चाहे बने जादूगर, लेकिन सबसे ऊपर है ये सबसे बड़ा कबूतर। चाहे बने कोई हर फन मौला, चाहे बने जादूगर, लेकिन सबसे ऊपर है ये सबसे बड़ा कबूतर। क्या है? जो ना देखा, सोच रहा था तुमने ठीक ही कहा था, पासा पलटने में देर नहीं लगती। बड़ा कबूतर उड़ जाएगा, हाथ में अंडा रह